हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे वासुदेव, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है होती है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, आप ये हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा करने वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है, उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल फल आदि, सुपारी, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषता आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने की महिमा है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करें। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने किसे भी नहीं मिलता। हे राजन, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा को सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है, जो कभी राजा माहिष्मति की राजधानी थी। राजा माहिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कार्य में लगा रहता था, पर स्त्रीगामी वेशासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों से मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने आप को राजा माहिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर गहन वन में वो घूमने लगा और वन में लौट आया। मांस आदि वृक्षों के फल खाकर जीवन जीने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में एक वृक्ष के ऊपर वह महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करने लगा। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके एक द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े में कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई, न आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्य उदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यो कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन किया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा, कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया।
जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। हे राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वह मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो हम सभी भक्तों को इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम लें, सत्संग सुने और सेवा करें। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। गौर निताय भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।